सामरिक विशेषज्ञों व देश की इन चिंताओं बारे मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए। पहला सवाल, क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली और पेंगोंग सो लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है? क्या उन्होंने चीन द्वारा स्वीकारित सीमा रेखा को लांघ कर गलवान नदी वैली में सैकड़ों टेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स व लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार सड़क बना ली है? वे इसी प्रकार से पेंगोंग सो लेक के उत्तरी तट पर भी क्या सड़क निर्माण किया है? सवाल नंबर दो, क्या यह सही है कि पेंगोंग सो लेक के पास फिंगर हाइट्स फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में है? सवाल नंबर तीन, क्या गलवान नदी वैली में चीनी घुसपैठ से डरबुक शयोग डीबीओ रोड पर संचालन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा जो उत्तर के इलाके तथा कराकोरम दरे के नजदीक भारतीय सेना को रसद व सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है? सवाल नंबर चार, राष्ट्रीय सुरक्षा वे भूभागीय अखंडता की इन महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने क्या रणनीतिक तैयारियां की हैं और क्या कारगर कदम उठाए हैं? सवाल नंबर पांच, मोदी सरकार ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात पर देश व देश के लोगों के साथ हालात का विवरण साझा क्यों नहीं किया? यद्यपि मोदी सरकार ने इस संकट को कूटनीतिक तौर पर सुलझाने बारे बयान दिया है, लेकिन सरकार को भारतीय भूभागीय अखंडता की रक्षा करने तथा भारत चीन सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल करने बारे देश के नागरिकों एवं सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए।